हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। इंडियन गवर्नमेंट बैन कर सकती है 54 मोबाइल एप्लीकेशंस को, ऐसा ANI की रिपोर्ट है। तो देखिएगा दोस्तों, पहले काफ़ी सारे मोबाइल एप्लीकेशंस बैन हो गए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जो रिसेंट है 2022 में, आज की रिपोर्ट है 14 फरवरी की, तो 54 मोबाइल एप्लीकेशंस चाइनीज के बैन होने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और बताती है रीज़न कि ये इंडियन सिक्योरिटी को लेकर ऐसा किया जा रहा है। बाय द वे जो एप्लीकेशन है 54, सभी के भी लिस्ट नहीं है। बाय द वे कुछ एप्लीकेशन के लिस्ट अभी जारी है जो कि NI सोर्सेज से पता चला है। जल्द ही आपको ऑफिशियल जो डेटा है, ऑफिशियल लिस्ट है, वो पता चल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियली इसे रिलीज कर देगी। जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है वो ब्यूटी कैमरा है, स्वीट सेल्फी HD है एंड वीवा वीडियो एडिटर है। ये एप्लीकेशन भी बैन हो रहे हैं। इसके अलावा लाइक टिकटॉक, वी चैट, हेलो, ये जितने भी एप्लीकेशन हैं, 59 मोबाइल एप्लीकेशन ये जून 29 को बैन कर दिए गए थे। जो इन्फिल्ट्रेशन था भाई चाइनीज आर्मी इंडियन बॉर्डर में, जो कन्फ्रंट्रेशन चल रहा था, तो उसी के चलते ब्लॉक कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था एप्लीकेशंस। देखिएगा, पिछले साल कैजुअलिटी हो गई थी, इंडियन जो आर्मी है उनकी डेथ हुई थी काफ़ी सारे की, एंड जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनकी भी डेथ हुई थी। तो यही जो वहाँ पे टेंशन चल रहा था, उसी के चलते ये ब्लॉक किया गया था, बैन किया गया था। बाय द वे दिन बाद में भी 118 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया गया था, जिसका चाइना ने विरोध किया था, कहती हुई कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो अछूत नीति है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल्स हैं, कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रहा है। तो बाय द वे दोस्तों, यही अपडेट है, एंड देखिएगा कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशंस ब्लॉक होते हैं। बाय द वे एक और अपडेट है, एंड एक आप ये सभी जानते हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इवन टूडे कैम स्कैनर का प्रयोग होता है। मतलब कि इंडियंस लव चाइनीज एप्लीकेशंस, भारतीय चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, आप देखेंगे वहाँ के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, इवन अगर कलेक्ट्रेट से भी कोई आपको आदेश आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो आप नीचे देखेंगे कैम स्कैनर का लोगो लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग ही चाइनीज एप्लीकेशंस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक कैम स्कैनर है। तो देखने वाली बात है कि क्या ये बैन होने के बाद एप्लीकेशंस लोग यूज करना बंद कर देंगे या कंटिन्यू रखेंगे। तो जो भी होता है दोस्तों, हम आपके सामने अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।